रेलवे के लिए आज एक बड़ा दिन है। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा हैं। सर, किस तरह से आज खास है रेलवे के लिए, क्या उपलब्धि? आज ये एक बहुत बड़ा दिन है रेलवे के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश के लिए, क्योंकि इस महीने में, जनवरी में, रेलवे ने 119.8 मिलियन टन ट्रैफिक कैरी किया है, जो कि एक रिकॉर्ड ट्रैफिक है। इससे पहले मार्च 2019 में रेलवे ने 119.7 मिलियन टन ट्रैफिक कैरी किया था। और ये जो रेलवे का जो फ्रेट लोडिंग है, ये एक कंटिन्यूस तौर पे अगस्त के महीने से लगातार बढ़ रहा है, अपने पिछले साल के कंपैरिजन के मुकाबले में। और ये इस बात को दर्शा रहा है कि रेलवे ने देश की इकोनॉमी का जो टर्न अराउंड हो रहा है, उसके लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पे सामने आया है। सर, रेलवे देश का इंजन है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। रेलवे की मदद से ही लोग अपनी अपनी नौकरियों पर जाते हैं। बहुत सारे लोग डिस्परेट हैं कि कब ट्रेनें सामान्य होंगी, कब चलेंगी, तो इसको लेकर के लोगों में बहुत सारी शंकाएं हैं और एक तरीके की उदासी भी है। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं सिर्फ रेलवे सामान्य न हो पाने के कारण। तो किस तरह से आप लोग विचार कर रहे हैं? कोविड प्रक्रिया के बाद रेलवे ने अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके ट्रेनों की आवाजाही में निरंतर इजाफा किया। हमारे मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई तीनों में जो सबर्बन ट्रेन हमने चालू कर दी हैं, लगभग 90%। मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स लगभग हम 65% चालू कर चुके हैं। और हमारी पूरी तरह से ये प्रयास है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान रखते हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए, आम पैसेंजर्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हम ट्रेनों का परिचालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों में इजाफा करें, ताकि ये जो हमारे ऑपरेशनल एक हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा कर सकें। सर, आज रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी आई है कि जो दिल्ली का मेस है IRCTC का, वो आज से शुरू हो गया है और उससे कैटरिंग में जो कुक्ड फूड है वो दिया जाएगा। और रेलवे 77 जगहों पर IRCTC 77 स्टेशनों पर फूडिंग दे रही है, तो खाने को लेकर के क्या करेंगे आप लोग? सर, जनता का सवाल ये है कि रेलवे कब सामान्य तरह से चलना शुरू होगी, अभी कितने परसेंट ट्रेनें चल रही हैं और कैसे ग्रेजुअली आप लोग इसमें बढ़ा रहे हैं ट्रेनें? देखिए, ऐसा कोई रूट अभी है नहीं जहाँ पे रेलवे ने अपनी ट्रेनों का परिचालन ना किया है। हमारी कोशिश है कि ट्रेन्स को धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर दें, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को देखते हुए। दिसंबर से जनवरी के बीच में हमने करीब करीब 250 ट्रेनों का परिचालन बढ़ाया है और आज की तारीख में हम करीब करीब 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं। सबर्बन, जैसे मैंने पहले बताया, कि करीब करीब 90% हम चला रहे हैं और बाकी ट्रेनों का भी हम जो ऑपरेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। कुल कितनी ट्रेनें सर अभी चल रही? अभी सब मिला के करीब 5,000 सबर्बन और करीब 1,250 मेल एक्सप्रेस और करीब 800 पैसेंजर ट्रेन चालू हैं। ABP News आपको रखे आगे।